अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के बारे में। ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक टेक्निक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम करें तो काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे तरह से हम सोच विचार कर लें, और सोच विचार करने के साथ साथ हम उसके स्टैंडर्ड भी फिक्स कर दें। क्योंकि हमको पता है कि बिजनेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमको करनी होती हैं, तो हमको क्या करना है, हर एक्टिविटी के अभी क्या करने हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर देने हैं। जैसे हम प्रोसेस का स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, टाइम कितना लगेगा ये भी फिक्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कितनी क्वांटिटी में बनेंगे, ये भी स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा मेथड यूज़ होगा, कौन सी वर्किंग कंडीशंस होंगी, इन सब के हम स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर देते हैं। क्योंकि अगर हम स्टैंडर्ड पहले से फिक्स नहीं करेंगे, कुछ भी अगर हम पहले से डिसाइड नहीं करेंगे, तो हमको बाद में पता नहीं लग पाएगा कि हमने क्या करना था और क्या रियलिटी में हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्कर से भी उम्मीद करते हैं, हम एक वर्कर से भी उम्मीद करते हैं कि आज इस दिन के अंदर इतना वो क्वालिटी या इतनी क्वांटिटी वो बना दे, तो हम इस तरह से कुछ भी स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड फिक्स रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रोसेस से रिलेटेड हो सकते हैं, टाइम से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, मेथड्स से रिलेटेड या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जब भी हम फिक्स कर देते हैं तो उससे हमारा काम करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, और लोगों को पहले से ही डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या काम करना है, कौन सी क्वालिटी का करना है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी है। तो इसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रमापीकरण। अब हम इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि यह सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। क्या? सरलीकरण, सिंप्लीफाई करना। किसी भी काम को हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वे में करना है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, हमको मान लो एक छोटा सा काम करना है और उस छोटे से काम को करने के अंदर हम बहुत टिपिकल काम करते रहते हैं, टिपिकल बातें बनाते रहते हैं, टिपिकल कॉन्सेप्ट लड़ाते रहते हैं। तो जो काम बहुत सिंपल तरीके से हो सकता था, उस काम को हमने क्या कर दिया, टिपिकल कर दिया। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है, सिंप्लीफिकेशन कहता है कि हमको अननेसेसरी साइज, अननेसेसरी वैराइटीज, अननेसेसरी वेटेज और अननेसेसरी जो डायमेंशंस होती हैं प्रोडक्ट की, उसको हटा देना है। क्योंकि अगर हम चाहें तो प्रोडक्ट को बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, बट हम कभी कभी कुछ अननेसेसरी साइज डिसाइड कर लेते हैं, अननेसेसरी डायमेंशन फिक्स कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एक जूता बनाने वाली कंपनी है या चप्पल बनाती है, मान लो अगर हम चाहें तो अपने जूते या चप्पल का साइज क्या रखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बट मान लो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे जूते का साइज 0.5 होगा, 1.125 होगा, 1.75 होगा, 2.25 होगा, 2.75 होगा, 3B होगा, तो ये क्या होगा, अब आपका काम और भी ज़्यादा टिपिकल बन गया। अब इस काम के टिपिकल होने की वजह से अब आपको फालतू मशीनें भी लगानी पड़ेंगी, वर्कर भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, आपको स्टॉक भी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अब आपके सामने आ जाएंगी। बट अगर हम यही काम सिंपल तरीके से करें कि अगर हमको शूज़ 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर इतना ही बनाना है, तो आप सोच कर देखो, आपको स्टॉक कम रखना पड़ेगा, आपके वर्किंग आवर्स कम लगने वाले हैं, लेबर के ऊपर कॉस्ट कम आएगी, मशीनों की वेस्टेज कम होगी, रॉ मटेरियल की वेस्टेज कम होगी। तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी काम को सिंपल तरीके से करते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे खर्चे कम होंगे, मशीनों की वेस्टेज कम होगी, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होगा, और हमको स्टॉक भी कम मेंटेन करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन करने से बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया होगा, एक कंपनी क्या करती थी, पहले 2000 टाइप के पेपर रेडी करती थी, कितने, 2000 टाइप्स के पेपर। उस कंपनी ने देखा कि हम तो बहुत काम बहुत टिपिकल तरीके से कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ साइजेस हटा दी, कुछ वेराइटीज हटा दी या कुछ डायमेंशंस
थोड़ी कम कर दी। तो जहां वो 2000 पेपर रेडी कर रहे थे ना, अब वो सिर्फ कितने पेपर रेडी कर रहे थे, सिर्फ 200। यस, अननेसेसरी साइजेस, अननेसेसरी डायमेंशंस को उन्होंने हटा दिया, कितना कर दिया 2000 से ओनली 200। तो सिंप्लीफिकेशन से हमारा कोई भी काम करना और भी ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है।